हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 की बात करेंगे। इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसा नहीं था कि इससे पहले इस तरीके की कोई हमारे पास प्रोविजंस नहीं थे, लेकिन कोई भी इस तरीके का एक्ट नहीं था हमारे पास। तो इस एक्ट को हमने बनाया ताकि जो भी वुमेंस की सेक्सुअल हरासमेंट हो रही थी वर्क प्लेस के ऊपर, तो वो ना हो, ठीक है, और प्रोटेक्ट करें उनको, एक तरीके से प्रिवेंट करें। और अगर इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो उसको रिड्रेसल की बात हुई, इस तरीके के कोई भी मैटर होते हैं तो उसके लिए रिड्रेसल वगैरह सब कुछ इस एक्ट में कवर की गई। इससे पहले या अभी भी हमारे पास क्या और प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर? एक तो आर्टिकल 14 और 15, जहाँ पे वुमेन को इक्वलिटी की बात की गई है एज अ फंडामेंटल राइट, वो वायलेट होता है अगर इस तरीके से किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है। तो इसके अलावा जो वुमेन का राइट टू लाइफ या फिर टू लिव विद डिग्निटी है अंडर आर्टिकल 21, वो भी वायलेट होता है। और हम ये जो सेक्सुअल हरासमेंट वाली बात देखते हैं तो ये जो है वॉयलेट करती है जो हम राइट टू वर्क विद डिग्निटी वाला प्रिंसिपल फॉलो करते हैं ह्यूमन राइट्स के अंदर। ये अपने आप में ही एक यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल कन्वेंशंस के हिसाब से ह्यूमन राइट है। तो ये सारी चीज़ें हमारी वॉयलेट होती हैं। तो इसी चीज़ के लिए हम इस एक्ट को लेके आए कि ये चीज़ें ना हों, जिसका नाम हमने रखा द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आप मेरी जुडिशरी की क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम सभी माइनर मेजर एक्ट्स कवर करते हैं जुडिशरी के, जो भी आते हैं आपके सिलेबस के अंदर, प्री और मेन दोनों तरीके से कवर करते हुए चलते हैं। जजमेंट राइटिंग, आंसर राइटिंग सबकी प्रैक्टिस करते हैं और एक ड्यूरेशन के अंदर इस चीज़ों को ख़त्म करते हैं। अगर आपको इसकी और डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे @ कुशांग कैम्प पे और व्हाट्सएप पे 7531000390 पे मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको मैं आगे पूरी डिटेल्स दे दूंगा। अब हम इस एक्ट के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो इस एक्ट को पहले सेक्शन 1 में वही बताया कि क्या बोलेंगे, कहाँ तक एप्लीकेबल और कमेंस कब होगा। तो इस एक्ट को हम बोलते हैं द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, और ये पूरे इंडिया के ऊपर एक्सटेंड होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्ट इंडिया का रह जाएगा जहाँ पे ये एक्सटेंड नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका टेरिटोरियल एक्सटेंड क्या है? होल ऑफ इंडिया है। और ये कब से फोर्स के अंदर आया था? जब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था ऑफिशियल गजट में, तो ये 9 दिसंबर 2013 से हमारे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हो गया था। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आती हैं, जब भी ये वर्ड्स एक्ट के अंदर आगे यूज़ होंगे तो हम उनका मीनिंग यही निकालेंगे। एग्रीड वुमेन का मतलब क्या होता है? तो इसके अंदर दो क्लॉज दिए गए हैं, 1 और 2। 1 क्लॉज के अंदर इसने बताया है वर्क प्लेस और दूसरे में बताया है ड्वेलिंग प्लेस। मतलब कि अगर कोई वुमेन किसी ड्वेलिंग प्लेस पे भी जाके काम करती है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो वुमेन भी इंक्लूड हो जाएगी एग्रीड वुमेन के अंदर। तो अगर कोई भी वर्क प्लेस है या कोई भी ड्वेलिंग प्लेस है और वहाँ कोई भी वुमेन है, वो किसी भी एज की है, अब ज़रूरी नहीं है कि कोई एज पर्टिकुलर एज ही हो, किसी भी एज की वो वुमेन है और वर्क प्लेस पे, तो इवन अगर वो एम्प्लॉयड है या नहीं है उससे भी फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन ड्वेलिंग प्लेस में वो एम्प्लॉयड होनी चाहिए, तभी वो इस एक्ट के हिसाब से एग्रीड वुमेन मानी जाएगी। अब वो वुमेन क्या एलिज करती है कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है रिस्पोंडेंट के द्वारा। रिस्पोंडेंट मतलब जिसके अगेंस्ट एलिगेशन लगाए गए हैं। तो ऐसी वुमेन को जिसके साथ इस तरीके के हरासमेंट हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एग्रीव्ड वुमेन बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। तो अब जो वर्कप्लेस है अगर वो एस्टेब्लिश्ड, ओन्ड, कंट्रोल या होली या सब्सटेंशली फाइनेंस है, किसके द्वारा? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और अगर वो यही सेम चीज़ क्या है, एस्टेब्लिश्ड है, ओन्ड है, कंट्रोल्ड है, होली या सब्सटेंशली फाइनेंस्ड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हम किसको बोलेंगे? स्टेट गवर्नमेंट को बोलेंगे। और मान लो कि वो मतलब इनमें से किसी में भी नहीं आ रही, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट ने उसको एस्टेब्लिश किया, ओन किया, इस तरीके से कुछ नहीं है, कोई प्राइवेट एंटिटी है, तो फिर जिस भी स्टेट के अंदर वो एग्जिस्ट करेगी तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्लॉज सी के अंदर बोलता है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन होगा? जो भी लोकल कंप्लेंट कमेटी के अंदर नॉमिनेटेड होगा। कौन से सेक्शन के हिसाब से? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन होगा? जो सेक्शन 5 के अंदर आएगा। अब डोमेस्टिक वर्कर कौन होता है? डोमेस्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है डोमेस्टिक वर्कर का? तो डोमेस्टिक वर्कर इस एक्ट के लिए कौन होगा? वुमेन होगी जो कि एम्प्लॉयड है। कहाँ पे? हाउस होल्ड वर्क के लिए, जो मतलब कि किसी भी तरीके से घर में जो काम करती हैं वुमेन्स, उनको हम डोमेस्टिक वर्कर बोलेंगे। किसी भी हाउस होल्ड के अंदर काम कर रही है किस चीज़ के लिए? रेमुनरेशन के लिए। और वो रेमुनरेशन कैसा है? चाहे उसको कैश में मिल रहा हो या काइंड में मिल रहा हो, मतलब पैसे मिल रहे हो या काइंड में कोई चीज़ उसको दी जा रही हो,
और चाहे ये वुमेन एम्प्लॉयड हो डायरेक्टली या किसी भी एजेंसी के थ्रू, एजेंसी होती है, कई एजेंसीज होती हैं जो हाउस होल्ड वर्क के लिए वुमेंस भी देती हैं, तो उनके थ्रू वो एम्प्लॉयड हों या फिर वो डायरेक्टली जैसे कई लोग रख लेते हैं वुमेंस को हाउस होल्ड का काम करने के लिए, तो वो वुमेन हो, दोनों ही इंक्लूडेड होंगी। और ये वुमेंस चाहे टेम्प्रेरी बेसिस पे हो, परमानेंट बेसिस पे हो, पार्ट टाइम काम कर रही हो, फुल टाइम बेसिस पे कर रही हो, तो ये सारी डोमेस्टिक वर्कर के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी मेंबर ऑफ फैमिली है किसका, एम्प्लॉयर का, मतलब जो जिसने एम्प्लॉय रखा है एज किसी पर्सन को, ठीक है, अब उसी के घर में उस कोई और वुमेन है जो कि फैमिली मेंबर है, तो वहाँ पे उसको डोमेस्टिक वर्कर नहीं बोला जाएगा। अगर वो इस तरीके का काम कर भी रही है तो वो इंक्लूड नहीं होगी वो वुमेन डोमेस्टिक वर्कर के लिए। एम्प्लॉय कौन होता है, ये डोमेस्टिक वर्कर हो गया कि कौन था। इसके अलावा एम्प्लॉय कौन होता है कि कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयड है वर्क प्लेस के ऊपर, चाहे रेगुलर बेसिस पे या टेम्प्रेरी बेसिस पे या एडहॉक बेसिस पे या डेली वेजेस बेसिस पे, और चाहे वो डायरेक्टली उसको रखा गया एम्प्लॉयमेंट या किसी एजेंसी के थ्रू रखा गया हो, ठीक है, जिसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्टर भी इंक्लूड हो जाता है, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। जहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को इस चीज़ की नॉलेज थी या नहीं थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चाहे रेमुनरेशन के लिए रखा हो या रेमुनरेशन ना मिल रही हो उसको, ठीक है, या फिर वो वॉलेंट्रली बेसिस पे काम कर रही हो जो पर्सन है, या फिर वैसे ही कर रही हो वॉलेंट्री ना कर रही हो, वेदर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड, और जहाँ वो जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो बातें उसके अंदर बताई गई हैं वो एक्सप्रेस हो या एम्प्लॉयड हो, एंड इंक्लूड्स को वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, प्रोबेशनर, ट्रेनी, अप्रेंटिस और कॉल्ड बाय एनी अदर नेम, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय बोलेंगे। ये सब के सब एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉयर मतलब कि जो एक एम्प्लॉयर होता है और एक एम्प्लॉई होता है, तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन हमें समझ आ गई कि एम्प्लॉय कौन है। अब एम्प्लॉयर कौन है ये हमें इस क्लॉज के अंदर, जी क्लॉज के अंदर बताया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें किसी गवर्नमेंट के हिसाब से, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात हो रही है या ऑर्गेनाइजेशन की, अंडरटेकिंग की, एस्टेब्लिशमेंट की, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच, कोई भी चीज़ है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की या फिर लोकल अथॉरिटी की, तो जो भी हेड होगा उस डिपार्टमेंट का या यही ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग, जो भी हेड होगा इनका, उसको हम बोलेंगे एम्प्लॉयर, ठीक है, वो एम्प्लॉयर कहलाएगा। और अगर मान लो कि इसके अंदर नहीं आता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वाली चीज़ में नहीं आता वो एम्प्लॉयर, ऐसी कोई यूनिट नहीं है, तो जो पर्सन भी उस जगह का जो वर्क प्लेस है उस जगह के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उस जगह के मैनेजमेंट के लिए, सुपरविजन के लिए, कंट्रोल के लिए, उसको हम एम्प्लॉयर बोल देंगे। इसके अलावा अगर मान लो कि ये दोनों ही चीज़ें नहीं कवर हो रही जो हमने वन और टू के अंदर पढ़ी, तो यहाँ पे जो भी पर्सन डिस्चार्ज कर रहा होगा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो वो भी इसके अंदर एज अ एम्प्लॉयर ट्रीट होगा। इसके बाद हम मान लो ड्वेलिंग प्लेस की बात हो रही है, जैसे घर के अंदर कई काम करती हैं वुमेंस, तो उसके लिए क्या बोल रहा है कि अगर कोई ड्वेलिंग प्लेस या हाउस है, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी पर्सन या हाउस होल्ड जिसने एम्प्लॉय किया है उस पर्सन को, एम्प्लॉय को, किस चीज़ के लिए, बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर के लिए, कि उसके बेनिफिट्स लेने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर बोलेंगे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने कितने नंबर ऑफ टाइम्स उसको एम्प्लॉय किया है, कितने टाइम पीरियड के लिए किया है, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किस नेचर के काम के लिए किया है, बस वो जो पर्सन जिसको किया है, जिसने किया है, जिस पर्सन ने, हाउस होल्ड ने, उसको हम एम्प्लॉयर बोल देंगे। उसके बाद इंटरनल कमेटी क्या है, इंटरनल कमेटी सेक्शन 4 के हिसाब से आएगी, लोकल कमेटी सेक्शन 6 के हिसाब से आएगी। मेंबर कौन है जो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी का मेंबर, जो भी बोला जाएगा उस हिसाब से आ जाएगा। प्रेस्क्राइब का मतलब क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको पता ही होता है कि जो भी प्रेस्क्राइब रूल्स होंगे सेक्ट के हिसाब से। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, जो भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 के हिसाब से, उसको हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलेंगे। रिस्पॉन्डेंट कौन होगा, जिसके अगेंस्ट भी एग्री, जिसके अगेंस्ट एग्रीव्ड वुमेन ने क्या की है, कंप्लेंट की है सेक्शन 9 के अंदर, तो उसको हम रिस्पॉन्डेंट बोलेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब क्या होता है, तो अगर कोई भी पर्सन इनमें से कोई एक चीज़ या फिर इनमें से कोई दो तीन कोई भी चीज़ें करता है, मतलब इनमें से कोई भी अनवेलकम एक्ट्स या बिहेवियर करता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सेक्सुअल हरासमेंट बोल देंगे। अब क्या क्या है, कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस करता है, ठीक है, या डिमांड या रिक्वेस्ट करता है सेक्सुअल फेवर्स की, जैसे कई लोग डिमांड करते हैं
या फिर ऐसे रिमार्क्स करते हैं कि आप इस तरीके से जैसे इशारों की तरह, इशारों में कोई चीज़ बोलता है, किसी को कोई पोर्नोग्राफी दिखाता है, पोर्न मूवीज़ दिखाता है, या फिर किसी भी तरीके का अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट करता है जो कि सेक्सुअल नेचर का है, तो क्या बोलेंगे कि उस पर्सन ने, अब जो रिस्पोंडेंट बन जाएगा जिसके अगेंस्ट अब कंप्लेंट होगी, उस पर्सन ने क्या किया है, सेक्सुअल हरासमेंट की है उस एग्रीव्ड वुमेन के साथ। ठीक है, तो ये होती है सेक्सुअल हरासमेंट। अब वर्क प्लेस क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा वर्क प्लेस में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, तो कोई भी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच, यूनिट जो कि कंट्रोल हो रही है या सब्सटेंशली फाइनेंस हो रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा या लोकल अथॉरिटी के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क प्लेस बोलेंगे। इसी तरीके से कोई भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी प्राइवेट वेंचर है, अंडरटेकिंग, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, एस्टैब्लिशमेंट, सोसाइटी, ट्रस्ट, एनजीओ, सब चीज़ें ये जो हैं सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी वर्क प्लेस के अंदर। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एंटरटेनमेंट इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रियल, हेल्थ सर्विसेज, जितने हॉस्पिटल वगैरह हैं, नर्सिंग होम्स, ये सब भी इंक्लूड हो जाएंगे। कोई भी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट होते हैं, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, इन जगहों पर इस तरीके की अगर कोई चीज़ होती है तो वो भी वर्क प्लेस में इंक्लूड हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी प्लेस जो कि एम्प्लॉयज के द्वारा विजिट की जा रही है जब वो अपने एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, ठीक है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की किसी चीज़ में जा रहा है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी जो कि एम्प्लॉयर उसको प्रोवाइड कर रहा है उस जर्नी के लिए। अब वो कोई पब्लिक बस वगैरह यूज़ कर रहा है तो वो चीज़ नहीं, जो एम्प्लॉयर उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी क्या है, वर्क प्लेस ही मानी जाएगी। अब कोई ड्वेलिंग प्लेस या हाउस है वो भी वर्क प्लेस में आ जाएगा। वर्क प्लेस में कब आएगा वो आपको पता है कि जब हम किसी एग्री वुमेन जो कि ड्वेलिंग हाउस के अंदर जिसको रखा गया हो वर्क के लिए, तो फिर वहाँ पे ड्वेलिंग हाउस या जो प्लेस है वो भी वर्क प्लेस में ही आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें वर्क प्लेस होती हैं। इन जगहों पे अगर इस तरीके का कोई हरासमेंट होती है तो हम उसको इस एक्ट के अंदर कवर करते हैं। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है कि जो कि वर्क प्लेस से रिलेटेड है, कोई भी एंटरप्राइज जो कि ओन किया जा रहा है किसी इंडिविजुअल के द्वारा, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो वहाँ पे कोई इंडिविजुअल या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर जो हैं उनको वहाँ पे एंगेज किया जा रहा है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, सेल के लिए किसी भी गुड्स के या प्रोडक्शन के लिए, या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कोई भी तरीके की सर्विस, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगी। और वहाँ पे उसने एम्प्लॉयज़ कितने रखे हुए हैं या वर्कर कितने रखे हुए हैं, 10 से कम वर्कर्स रखे हुए हैं, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा। जहाँ पे 10 से कम लोग हैं, इंडिविजुअल या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, तो वहाँ पे ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाएगा। फिर सेक्शन 3 आता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये अब ये बोल रहा है कि इस तरीके की कोई चीज़ नहीं करनी, अगर करोगे तो क्या होगा वो आगे बताएगा। तो ये बोलता है सबसेक्शन 1 कि नो वुमेन शैल बी सब्जेक्ट टू सेक्सुअल हरासमेंट एट एनी वर्क प्लेस, कि आप किसी भी वुमेन को सेक्सुअल हरासमेंट नहीं करोगे किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर। अब आपको वर्क प्लेस का मतलब पता है, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब पता है, तो आपको ये समझ आ गई होगी बात। फिर बोलता है द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस अमंग अदर सर्कमस्टांसिस इफ अकर्स, कि जो ये वाले सर्कमस्टांसिस है, बाकी सर्कमस्टांसिस के अलावा अगर ये चीज़ें भी होती हैं तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट ही कहलाएंगी। जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी वो, उसके अलावा ये भी, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, कि इस तरीके का उसको प्रॉमिस किया जाता है कि अगर वो इस तरीके की एक्ट करेगी, मतलब कि सेक्सुअल हरासमेंट के तरीके से उसको प्रॉमिस किए जाते हैं कि वो अगर इस तरीके की चीज़ करेगी तो उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी उसकी एम्प्लॉयमेंट में, तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट कहलाएंगे, ठीक है। या फिर डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट होगा उसके साथ, अगर वो ये चीज़ नहीं करेगी, उसको थ्रेट होता है इस चीज़ का, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट कहलाएगा। और उसको उसके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए या प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए थ्रेट दिया जाता है, ठीक है, तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा इंटरफ्रेंस विद हर वर्क और क्रिएटिंग इंटीमिडेटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क एनवायरमेंटल फॉर हर, तो इस तरीके की अगर कोई चीज़ करता है, ठीक है, इंटिमिडेटिंग या ऑफेंसिंग हॉस्टाइल वर्क करवाता है उससे, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। या फिर उसको ह्यूमिलेट करता है, ठीक है, जिससे कि उसकी हेल्थ या सेफ्टी के ऊपर इफेक्ट आता है, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो होंगी जो हमने ऊपर पढ़ी थी। उसके अलावा अगर कोई इस तरीके के सर्कमस्टांसिस क्रिएट करता है जिसकी वजह से उसको कोई भी इस तरीके का एक्ट या बिहेवियर करना पड़ता है सेक्सुअल हरासमेंट का, इन रीजंस की वजह से, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट में ही आ जाता है। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं करनी, ये सबसेक्शन 1 बोलता है, ठीक है, किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर।
अब यहाँ पे कमेटी बनाने के लिए कह रहा है चैप्टर टू के अंदर कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी होगी जो भी वर्क प्लेस है उसके अंदर. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, हर एक एम्प्लॉयर जो है वर्क प्लेस के ऊपर शेल मे वर्ड यूज नहीं, उसको करना ही पड़ेगा, राइटिंग के अंदर ऑर्डर देके कमेटी बनानी पड़ेगी जिसको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बोला जाएगा. तो हर एक वर्क प्लेस के ऊपर इस तरीके की कमेटी होनी चाहिए जिसको हम इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बोलेंगे. प्रोविजर बोलता है वेयर द ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द वर्क प्लेस आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस और डिविजनल और सब डिविजनल लेवल, द इंटरनल कमेटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिसेज. अब अगर कोई ऑफिस है, ठीक है, उसकी बहुत सारी यूनिट्स हैं जो कि अलग अलग जगह पे हैं, डिविजन्स में हैं, सब डिविजन लेवल पे हैं, तो जितनी भी डिविजन्स होंगे वहाँ पे इंटरनल कमेटी उनको बनानी पड़ेगी हर एक यूनिट के ऊपर. अब इस कमेटी के अंदर कौन कौन लोग होंगे, तो इंटरनल कमेटी शैल कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स, जो कि एम्प्लॉयर जो है वो खुद नॉमिनेट करेगा, जो भी वहाँ का एम्प्लॉयर है जो हमने डेफिनेशन ऊपर पढ़ी थी वो नॉमिनेट करेगा कि ये लोग जो हैं वो इंटरनल कमेटी के अंदर इंक्लूड होंगे. कौन कौन होगा, सबसे पहले बोलते हैं एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, ठीक है, और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, वुमेन ही होगी, आप किसी मैन को नहीं बैठाएंगे वहाँ पे. और वो वुमेन जो है किसी ना किसी सीनियर लेवल पे होनी चाहिए उस वर्क प्लेस के ऊपर. और जैसे आप और भी इंप्लॉइज काम कर रहे हैं तो अगर आप सीनियर लेवल वुमेन को नहीं बैठाओगे तो फिर उसको इनसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, तो इसलिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिठाया जाएगा जो कि अपने आप में एक वुमेन होगी और वो सीनियर लेवल पे काम कर रही हो उस जगह पे. और मान लीजिए कि अगर वो सीनियर लेवल वुमेन जो है एम्प्लॉई नहीं है या अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो नॉमिनेट होगा दूसरे ऑफिस से या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से, जो कि सबसेक्शन वन के अंदर ही बोला गया है. जैसे वो बोलेगा ना कि हर एक यूनिट के अंदर आपको इंटरनल कमेटी बनानी है, हर एक यूनिट पे बैठेगी, तो अगर यहाँ पे अगर इस तरीके की कोई वुमेन अवेलेबल नहीं है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसको बनाना है, तो यहाँ की वुमेन को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया जाएगा. फिर और प्रोविजो के अंदर क्या बोलता है, अगर इन केस द अदर ऑफिसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द वर्क प्लेस डू नॉट हैव सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉई, अब उधर भी कोई सीनियर लेवल एम्प्लॉई नहीं है जो दूसरी यूनिट्स हैं, तो द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम एनी अदर वर्क प्लेस ऑफ द सेम एम्प्लॉयर और अदर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन. तो अब ये यूनिट्स की बात हो रही थी, अब कोई अगर उसका कोई और डिपार्टमेंट है जो कोई और काम कर रहा है, तो वहाँ से भी इसके लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि वुमेन होगी वो अपॉइंट की जा सकती है. ठीक है, ये तो एक मेंबर हो गया, सबसे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उस कमेटी के अंदर. उसके अलावा कौन कौन होगा, नॉट लेस देन टू मेंबर्स फ्रॉम अमंग्स एम्प्लॉयज प्रेफरेबली कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन और हु हैव एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क और लीगल नॉलेज. तो कम से कम दो मेंबर्स लिए जाएंगे, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयज होंगे वहाँ के और वो कॉज ऑफ वुमेन के लिए जिनको एक्सपीरियंस है सोशल वर्क के लिए काम कर रहे हैं या जिनको लीगल नॉलेज है उनको मेंबर बनाया जाएगा इस कमेटी का. इसके अलावा एक मेंबर लिया जाएगा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, जो एनजीओ होती हैं या फिर एसोसिएशन से जो कि कमिटेड हैं कॉज ऑफ वुमेन के लिए, वुमेन के लिए जो काम करती हैं, और अ पर्सन फैमिलियर विद द इशू रिलेटिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट, या फिर ऐसा पर्सन जो कि इस इशू से फैमिलियर है, जिसको इस चीज इन चीज़ों के बारे में पता है. तो ये हमारे अभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गए, दो मेंबर्स ये हो गए, एक मेंबर ये हो गए. इसका प्रोविजर बोलता है कि एटलीस्ट वन हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स हो नॉमिनेटेड शैल बी वुमेन, और साथ ही साथ जो इस तरीके के मेंबर्स अपॉइंट हो रहे हैं इनमें से आधे जो मेंबर्स हैं इस कमेटी के वो क्या होंगी, वुमेन्स ही होंगी. फिर आगे क्या बोलता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और हर एक जो भी मेंबर और जो चुने गए हैं चार जो बेसिकली बने हैं इंटरनल कमेटी के, वो अपना ऑफिस कैसे होल्ड करेंगे, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा के लिए उनके पास ऑफिस नहीं होगा, मैक्सिमम वो 3 साल के लिए रहेंगे जिस भी दिन उनका नॉमिनेशन हुआ है, जो एम्प्लॉयर ने स्पेसिफाई किया था कि इस दिन से होंगे, तो मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे. और जो मेंबर अपॉइंट हुए हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से या फिर एसोसिएशन से, उनको फीस दी जाएगी या अलाउंसेस दिए जाएंगे अगर वो कोई भी प्रोसीडिंग्स करते हैं इस कमेटी के अंदर, तो उसके लिए उनको उसकी फीस या अलाउंसेस दिए जाएंगे एम्प्लॉयर के द्वारा. उसके अलावा क्या बोलता है सबसेक्शन 5 के अंदर, जहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या फिर मेंबर जो है इंटरनल कमेटी का कोई भी प्रोविज़न कॉन्ट्रवीन करता है सेक्शन 16 का अभी जो आगे आएगा, या फिर वो खुद कन्विक्ट हो जाता है किसी भी ऑफेंस के लिए या इंक्वायरी होती है उसके ऊपर कोई भी ऑफेंस के लिए जो कि पेंडिंग है उसके अगेंस्ट किसी भी लॉ के अंदर. और तीसरी बात बोलता है ही हैज़ बीन फाउंड गिल्टी इन एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, कि उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होती है और उसके अंदर वो पर्सन गिल्टी मिलता है, वो जो मेंबर है इंटरनल कमेटी का, या तो वो कॉन्ट्रवीन करता है या कन्विक्ट होता है या गिल्टी मिलता है,
हैज टू अब्यूज हिज पोजीशन एज टू रेंडर कॉन्टिन्यूस इन ऑफिस प्रेजुडिस टू द पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर वो अपनी जो पोजीशन है उसको गलत तरीके से यूज करता है ताकि वो ऑफिस के अंदर बना रहे। इनमें से अगर वो कोई भी चीज़ करता है, चाहे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है चाहे वो मेंबर है इस इंटरनल कमेटी का, तो वो इस कमेटी से रिमूव कर दिया जाएगा और शेल वर्डअप करना ही पड़ेगा। एंड द वैकेंसी सो क्रिएटेड और कैजुअल वैकेंसी शेल बी फिल्ड बाय फ्रेश नॉमिनेशन, और उसकी जगह पे फ्रेश नॉमिनेशन मतलब जो इम्प्लॉयर है वो किसी नए पर्सन को अपॉइंट कर देगा, जो भी ऊपर हमने प्रोविजंस देखे हैं उनके हिसाब से, कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से नई जगह पे वो जगह भर दी जाएगी। तो यहाँ पे हमें इतना बताया गया। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी। उसके बाद सेक्शन 5 और ये चैप्टर 3 है जिसके अंदर लोकल कंप्लेंट कमेटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन 5 के अंदर नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए बोलता है कि जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अब आपको पता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, वो नोटिफाई कर सकती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या ADM को या फिर कलेक्टर को, डिप्यूटी कलेक्टर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट टू एक्सरसाइज पावर्स और डिस्चार्ज फंक्शन अंडर दिस एक्ट। तो जो भी है पावर्स वो उनको बताएंगे कि आप अपने फंक्शंस इस एक्ट के हिसाब से करो, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोलेगी, इनको नोटिफाई करेगी जिनको भी करना है, तो वो क्या पावर्स हैं वो भी आगे आएंगी। सेक्शन 6 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकल कमेटी। अब इसके बनाने की बात हो रही है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वो बनेगी और उसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी लोकल कमेटी, उसके बारे में बात कर रहा है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल कॉन्स्टिट्यूट ए डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, जो भी उसकी डिस्ट्रिक्ट है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, उसके अंदर क्या करेगा, एक कमेटी बनाएगा जिसको लोकल कमेटी बोला जाएगा। और वो कमेटी क्या काम करेगी, कंप्लेंट रिसीव करेगी ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट्स, जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनसे अगर उनके पास जो भी कंप्लेंट्स आई है वो आके इन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के अंदर बताएगी, इस लोकल कमेटी को बताएगी। वेयर द इंटरनल कमेटी हैज़ नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, जहाँ पे इंटरनल कमेटीज नहीं बनाई गई, जो हमने ऊपर सेक्शन इससे पहले वाले सेक्शन 4 के अंदर पढ़ी थी, ड्यू टू हैविंग लेस देन 10 वर्कर्स, क्योंकि वहाँ पे 10 से कम वर्कर्स थे और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स था। तो फिर अगर इस तरीके की कोई भी हरासमेंट होती है तो फिर वो इंटरनल कमेटी जहाँ पे नहीं बनी तो वो इस लोकल कमेटी को आके कंप्लेंट देगी। और सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, अब इस कमेटी के अंदर वो डेजिग्नेट करेगा एक नोडल ऑफिसर हर एक ब्लॉक के अंदर, तालुका के अंदर, तहसील के अंदर, रूरल एरिया के अंदर, जहाँ पे रूरल है तहसील वहाँ पे होगी, या फिर ट्राइबल एरिया के अंदर, वार्ड के अंदर, म्यूनसिपैलिटी के अंदर, जो अर्बन एरियाज के अंदर होती है, कि वो कंप्लेंट्स रिसीव करे और सेम जो कंप्लेंट उसने रिसीव किया उसको फॉरवर्ड कर दे लोकल कमेटी को विद इन 7 डेज। मतलब जब भी उसको इस तरीके की कंप्लेंट मिली नोडल ऑफिसर को, उसके विद इन 7 डेज वो इस लोकल कमेटी को फॉरवर्ड कर दे वो कंप्लीट। तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का काम है कि वो हर एक इस तरीके के एरिया के अंदर, चाहे रूरल हो अर्बन हो, वहाँ पे नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा, क्योंकि अब एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली तो लोकल कमेटी में नहीं आ पाएंगे, तो वो अपने नोडल ऑफिसर को बता देंगे और नोडल ऑफिसर जो है वो कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देगा इस लोकल कमेटी को। इन चीज़ों की जरूरत क्यों पड़ रही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 10 से कम एम्प्लॉयज हैं या जहाँ पे इंटरनल कमेटी नहीं है, तो वहाँ पे ये काम होगा लोकल कमेटी के द्वारा। और इसकी ज्यूरिसडिक्शन कितनी होगी लोकल कमेटी की, जहाँ जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस भी एरिया के अंदर वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, वो पूरी ज्यूरिसडिक्शन उसके अंदर आएगी। तो या फिर सेक्शन 7 के ऊपर आते हैं, कंपोजिशन टेन्योर एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोकल कमेटी। अब कौन कौन होगा इसके अंदर, कितने टाइम के लिए होगा, बाकी क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें हैं इस लोकल कमेटी के हिसाब से। जैसे हमने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में देखा था, इसी तरीके से यहाँ पे है। तो जो लोकल कमेटी है उसके अंदर ये मेंबर्स होंगे जो बता रहा है, और ये कौन नॉमिनेट करेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नॉमिनेट करेगा। कौन कौन होंगे, सबसे पहले तो एक चेयरपर्सन होगा, ठीक है, चेयरपर्सन होगा जिसको नॉमिनेट किया जाएगा एमिनियंट वुमेन्स में से, जो कि ये काम कर रही होंगी, सोशल वर्क कर रही होंगी कॉज ऑफ वुमेन के लिए, उनमें से एक चेयरपर्सन चूज होंगी, ठीक है, एक तरीके से वो वुमेन ही होंगी, एमिनियंट वुमेन होगी जो कि इसके अंदर काम कर रही होंगी, प्रतिष्ठित महिला जो कि इस फील्ड के अंदर काम कर रही होगी। दूसरा एक मेंबर होगा जो कि नॉमिनेटेड होगा वुमेन्स में से ही, जो कि उस ब्लॉक में, तालुका में या तहसील में काम कर रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी में काम कर रहे हैं इसी चीज़ के लिए, तो वहाँ से एक वुमेन जो है नॉमिनेट होगी। तो चेयरपर्सन हो गई, एक मेंबर हो गई, इसके अलावा 2 मेंबर और होंगे जिसमें से एक जो है वुमेन होनी चाहिए, ये 2 जो हैं इनमें से कम एक जो है वुमेन होनी चाहिए, जो कि नॉमिनेट होंगे कहाँ से, अमंग सच नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन जो कि कॉज ऑफ वुमेन के लिए काम कर रहे हैं, या फिर इस तरीके के जो भी इश्यूज होते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, उनसे फैमिलियर है। तो
एक तरीके से 1, 2, 3, 4 चार मेंबर है जिसमें से तीन कम से कम वुमेन होनी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे प्रोविजो देता है कि एटलीस्ट वन ऑफ द नॉमिनी शुड प्रेफरेबली हैव बैकग्राउंड इन अ लॉ और लीगल नॉलेज, और इनमें से जो चार बंदे बने हैं इनमें से कम से कम एक का लॉ का बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके अलावा प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नॉमिनी शैल बी वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, कम से कम इनमें से एक वुमेन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की हो या अदर बैकवर्ड क्लास की हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी की हो, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ये सारी चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद बोलते हैं द कंसर्न्ड ऑफिसर डीलिंग विद द सोशल वेलफेयर और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट शैल बी मेंबर एक्स ऑफिशियो, और इसको भी एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया जाएगा जो इस तरीके की वुमेन होंगी। ठीक है, तो ये सारे मेंबर्स होंगे किसके अंदर, लोकल कमेटी के अंदर। फिर चेयरपर्सन के लिए बोल रहा है कि और जो चेयरपर्सन है और उसके अलावा जो भी हर एक मेंबर है इस लोकल कमेटी का, वो कितने टाइम के लिए अपने ऑफिस को होल्ड करेगा, 3 साल के लिए, जैसे वहाँ पे था इंटरनल कमेटी में ऐसे यहाँ पे भी 3 साल के लिए होगा जिस भी दिन उनको अपॉइंट किया गया वहाँ से। और सेम चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि अब इनमें से कोई मेंबर या चेयरपर्सन कॉन्ट्रवीन करता है सेक्शन 16 के प्रोविजंस को, कन्विक्ट हो जाता है किसी ऑफेंस या इंक्वायरी के अंदर, गिल्टी मिलता है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में, या अब्यूज़ करता है अपनी पोजीशन को इस ऑफिस को कंटिन्यू करने के लिए, तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा और उसकी वैकेंसी फिल कर दी जाएगी फ्रेश नॉमिनेशन से। और चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी अदर देन द मेंबर्स नॉमिनेटेड अंडर क्लॉज बी एंड डी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी एंटाइटल्ड टू सच फीस और अलाउंसेस फॉर होल्डिंग द प्रोसीडिंग ऑफ लोकल कमेटी एज में बी प्रेस्क्राइब, तो उनको क्या मिलेगा, जो भी फीस या अलाउंसेस है अपने काम करने के लिए, प्रोसीडिंग करने के लिए, वो मिल जाएगी इनको। फिर यहाँ पे ग्रांट्स एंड ऑडिट की बात हो रही है कि इनको पैसा मिलेगा और उसका फिर ऑडिट भी होगा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन मेड बाय पार्लियामेंट by law in this behalf make to state government grants of such sum of money as the central government may think fit, तो इस काम के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पैसा देगी जो भी उसको ठीक लगेगा, being utilized for the payment of fees or allowances referred to in subsection 4 of section 7, तो ये जो उनको देने हैं ना पैसे, जो members हैं जो fees और remuneration देनी है उसके लिए central government state government को allowances देगा, पैसे देगा, grants देगा। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए एक एजेंसी बना सकता है और ट्रांसफ़र करने के लिए जो ग्रांट्स दिए गए हैं जो कि सबसेक्शन 1 के हिसाब से देने हैं, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके की एजेंसी बना सकता है। अब ये जो एजेंसी है क्या करेगी, ये पे करेगी जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनको जो सम है जो रिक्वायर्ड है सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 के हिसाब से जो भी अलाउंसेज और फीस देनी है उसके लिए, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स फिर आगे ये फीस जो जिनको भी देनी है सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 के हिसाब से उनको दे देगा। और फिर ये जो एजेंसी बनाई गई है द अकाउंट्स ऑफ द एजेंसी रेफर टू इन सबसेक्शन 2 शैल बी मेंटेन एंड ऑडिटेड इन सच मैनर, तो ये इसके ये अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे और ये अकाउंट जो है ऑडिट भी होगा उनका, अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट जो करेगा, जो कि पूरे स्टेट का एक जैसे ऑडिटर जनरल कंट्री का होता है इसी तरीके से अकाउंटेंट जनरल होता है स्टेट का, वो उसका ऑडिट कराएगा। बी प्रेस्क्राइब एंड द पर्सन होल्डिंग द कस्टडी ऑफ द अकाउंट ऑफ द एजेंसी शैल फर्निश द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर सच डेट एज मे बी प्रेस्क्राइब इट ऑडिटेड कॉपी ऑफ अकाउंट टुगेदर विद ऑडिटर्स रिपोर्ट दे रहा हूँ, तो जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वो उसकी ऑडिटेड कॉपी ऑडिट कराने के बाद गवर्नमेंट के पास सबमिट कराएगा। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिटेड कॉपी अकाउंट्स की वो सबमिट कराएगा। तो सेक्शन 8 तक हमें ये बातें बता दी गई। तो हमने एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बना ली, हमने एक लोकल कमेटी बना ली, इसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है और क्यों नहीं करना और क्या क्या इंक्लूड होता है वो चीज़ देख ली। इसके बाद अब मान लो किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो क्या एक्शन लेगी इस एक्ट के हिसाब से, तो वो क्या करेगी सेक्शन 9 के हिसाब से कंप्लेंट करेगी सेक्सुअल हरासमेंट की। ठीक है, तो कोई भी एग्रीव वुमेन जो है वो क्या कर सकती है, राइटिंग के अंदर कंप्लेंट कर सकती है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की जो भी उसके साथ हुई है, किसको कंप्लेंट कर सकती है, इंटरनल कमेटी को, अगर वहाँ पे इंटरनल कमेटी है। अब आपको पता है कि कब इंटरनल कमेटी बनानी है, तो वहाँ पे अगर इंटरनल कमेटी है तो उसको कंप्लेंट करेगी या फिर लोकल कमेटी को करेगी जहाँ पे लोकल कमेटी बनी हुई है, जहाँ पे लोकल कमेटी की ज़रूरत है। ठीक है, और कितने टाइम में करेगी, विद इन 3 मंथ्स करेगी जब भी उसके साथ इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है। और मान लो कि एक बार ये इंसिडेंट नहीं हुआ, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी जब भी लास्ट इंसिडेंट इस तरीके का हुआ है तो उसके 3 मंथ्स के अंदर ही करेगी। तो उसको 3 मंथ्स का टाइम दिया गया कि इसके अंदर आके आप रिटर्न में कंप्लेंट कर दो इंटरनल कमेटी को या लोकल कमेटी को। प्रोविजो बोलता है अब मान लो कि इस तरीके की कंप्लेंट नहीं की गई राइटिंग के अंदर, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है
जो जो इंटरनल कमेटी के अंदर, और जो मेंबर्स हैं इंटरनल कमेटी की या फिर जो चेयरपर्सन या मेंबर है लोकल कमेटी के, ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर किस में होता है, इंटरनल कमेटी में, चेयरपर्सन किस में होता है, लोकल कमेटी में, एज अ केस में बी शेल रेंडल ऑल रीजनेबल असिस्टेंस टू द वुमेन फॉर मेकिंग कंप्लेंट इन राइटिंग। तो उनको जो भी वुमेन है उसको पूरी असिस्टेंस देंगे, पूरी हेल्प देंगे कि वो अपनी कंप्लेंट जो है राइटिंग के अंदर करे, तो उनकी पूरी हेल्प की जाएगी। इसके अलावा और क्या बोलता है प्रोविजो के अंदर कि जो इंटरनल कमेटी है या फिर जो लोकल कमेटी है, मे फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एक्सटेंड द टाइम लिमिट नॉट एक्सीडिंग 3 months। तो 3 month का पहले और था, और 3 month का टाइम उन वुमेन को दे सकती हैं, एग्री वुमेन को, अगर उनको सरकमस्टांसिस या जो भी हालात हैं उन वुमेन के ऐसे लगते हैं कि और टाइम दे देना चाहिए, तो ये कंप्लेंट करने के और एक्स्ट्रा 3 महीने भी दिए जा सकते हैं। अब जहाँ पे एग्री वुमेन जो है अनेबल है, इस काबिल नहीं है कि वो कंप्लेंट कर पाए ऑन अकाउंट ऑफ हर फिज़िकल और मेंटल इनकैपेसिटी या डेथ की, भाई वो मर गई या वो इस तरीके से फिजिकल इनकैपेबल है कि राइटिंग में नहीं कर पाएगी कंप्लेंट, या मेंटल है, तो हर लीगल हेयर्स और सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब में मेक अ कंप्लेंट अंडर दिस सेक्शन। तो उसके लिए फिर उसके लीगल हेयर्स या जो भी पर्सन है वो कंप्लेंट कर सकते हैं उस वुमेन के बिहाफ पे। अब कंसिलिएशन की बात हो रही है सेक्शन 10 के अंदर, तो जो इंटरनल कमेटी है या लोकल कमेटी है, मे बिफोर इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी की, अब इंक्वायरी स्टार्ट करने से पहले जो सेक्शन 11 के अंदर अभी आगे आएगी, एंड एट रिक्वेस्ट ऑफ द एग्री वुमेन, और अगर जो वुमेन है वो रिक्वेस्ट कर रही है, टेक स्टेप्स टू सेटल द मैटर बिटवीन हर एंड द रिस्पॉन्डेंट थ्रू कंसिलिएशन, कि उनके बीच में बातचीत करके ये मैटर जो है ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके की कोशिश इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी करेगी उस इंक्वायरी को स्टार्ट होने से पहले, और एट द रिक्वेस्ट ऑफ एग्री वुमेन। तो एग्री वुमेन रिक्वेस्ट करती है तो कंसिलिएशन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होगी कि आप पैसे दे दीजिए और फिर मॉनेटरी सेटलमेंट हो जाएगी, तो ये मिसयूज़ एक तरीके से हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मॉनेटरी सेटलमेंट को मना किया गया है। इस कंसिलिएशन का बेस मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं हो सकता, हो सकता है कि दूसरे तरीके से किसी तरीके से मॉनेटरी बातचीत हो जाए, लेकिन मॉनेटरी सेटलमेंट बेस नहीं हो सकता इस कंसिलिएशन का। और मान लो कि अब ये कंसिलिएशन की गई और कंसिलिएशन पे पहुंच गए, अराइव्ड हो गए, तो जो इंटरनल कमेटी है या लोकल कमेटी है वो इस सेटलमेंट को रिकॉर्ड कर लेगी और सेम फॉरवर्ड कर देगी किसको, एम्प्लॉयर को, जहाँ पे भी वो वर्क प्लेस पे काम कर रहे थे, इंटरनल कमेटी जो है, और लोकल कमेटी किसको कर देगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, कि भाई ये जो चीज़ें हैं इनके बीच में कंसिलिएशन हो गई और आप ये काम कीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने वर्क प्लेस पे आप इस तरीके की चीज़ें कीजिए, उनको रिकमेंडेशन की जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो जाएगी अगर कंसिलिएशन हो गई तो। द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एज अ केस में बी शेल प्रोवाइड अ कॉपीज ऑफ द सेटलमेंट एज रिकॉर्ड अंडर सबसेक्शन 2 टू द एग्री वुमेन एंड द रिस्पॉन्डेंट, और इसकी कॉपी दोनों को दी जाएगी, एग्री वुमेन को भी और रिस्पॉन्डेंट को भी। और अगर इस तरीके की सेटलमेंट हो गई तो फिर उसके बाद कोई भी इंक्वायरी आगे नहीं की जाएगी उस रिस्पॉन्डेंट के अगेंस्ट, दोनों के द्वारा, ना ही इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी, कोई भी इनमें से इस तरीके की चीज़ नहीं करेगा, फर्दर इंक्वायरी नहीं करेगा। अब अगर मान लो सेटलमेंट नहीं होती, मतलब कंसिलिएशन नहीं होता, तो फिर वहाँ पे इंक्वायरी होगी उस कंप्लेनेंट के अगेंस्ट, सॉरी उस रिस्पॉन्डेंट के अगेंस्ट जो कंप्लेंट आई है। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10, इसको हम अलग करते हैं, द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एज द केस में बी शेल वेयर द रिस्पॉन्डेंट इज एन एम्प्लॉई, अगर मान लो कि रिस्पॉन्डेंट कौन है, एम्प्लॉई है, प्रोसीड टू मेक इंक्वायरी इन टू द कंप्लेन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू द रिस्पॉन्डेंट। तो जो भी सर्विस रूल्स उस कंप्लेनेंट के, उस रिस्पॉन्डेंट के अगेंस्ट एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से फिर उसके अगेंस्ट इंक्वायरी की जाएगी। एंड वी आर नो सच रूल एग्जिस्ट, और मान लो कि कोई इस तरीके के सर्विस रूल्स नहीं हैं, तो जो भी डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए जो भी रूल्स होते हैं उनको फॉलो किया जाएगा। इन सच मैनर एज अ केस में भी प्रिस्क्राइब और इन केस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स अ लोकल कमेटी शैल इट प्रेमा फसाई केस एग्जिस्ट फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस, और फिर उसके बाद क्या करेगी, इस कंप्लेंट को पुलिस को फॉरवर्ड कर देगी विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फॉर रजिस्टरिंग द केस अंडर सेक्शन 509 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो 509 का फिर केस बन जाएगा उस पर्सन के ऊपर एंड एनी अदर रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द सेट कोड। और अगर लगता है कि और कोई चीज़ भी हुई है उस हरासमेंट के अंदर, तो 509 के अलावा वो पर्टिकुलर सेक्शंस भी उस पर्सन पे लग जाएंगे। मान लीजिए उसने सेक्सुअल हरासमेंट की और उसने उसको पोर्नोग्राफी, जैसे बताया था कि पोर्नोग्राफी की मूवीज़ नहीं दिखानी, तो जैसे कि IPC के सेक्शन 354 के अंदर भी मना किया गया कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी, तो वो सेक्शन भी और इसके ऊपर लग जाएगा। तो ये सारे सेक्शंस भी अब उनके उसके ऊपर लग जाएंगे और फिर आगे जो प्रोसीडिंग है वो उसके ऊपर चलती रहेगी। Provided that where the aggrieved woman informs the internal committee or local committee as a case may be that in terms
that any terms or condition of the settlement arrived at under subsection 2 or section 10 has not been complied with by the respondent, the internal committee or local committee shall proceed to make inquiry into the complaint or as the case may be forward the complaint to the police. तो अब अगर वो मान लो जो हमने कंसीलिएशन किया था सेक्शन 10 के अंदर, उसकी अगर वॉयलेशन होती है तो वुमेन जो है जाके लोकल कमेटी इंटरनल कमेटी को बताएगी, फिर वो इंक्वायरी करेगी और कंप्लेंट को पुलिस को फॉरवर्ड कर देगी. और मान लो कि यहाँ पे दोनों ही पार्टीज जो हैं इम्प्लॉयज थी, द पार्टी शेल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हेयर्ड एंड कॉपी ऑफ फाइंडिंग शेल बी मेड अवेलेबल टू बोथ द पार्टीज. तो दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, नेचुरल जस्टिस किया जाएगा और जो भी कॉपीज हैं, जो भी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, दोनों को प्रोवाइड की जाएंगी कि आपने ये बात बोली है, इसने ये बात बोली है, और जो भी अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है वो की जाएगी कमेटी के सामने. नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी, द कोर्ट मे व्हेन द रिस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑर्डर पेमेंट ऑफ सच सम एज इट मे कंसीडर अप्रोप्रिएट. तो यहाँ पे एग्री वुमेन को एक तरीके से अमाउंट भी दिलाया जाएगा एज अ कंपनसेशन. ठीक है, 509 में जो सजा होगी, आईपीसी के जो और जो सेक्शन लगे हैं उनमें जो सजा होगी वो तो होगी, उसके अलावा जो मजिस्ट्रेट हैं वो अमाउंट भी पे करवा सकते हैं उस रिस्पोंडेंट से, उस एग्री वुमेन को. फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1, द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एज अ केस में बी शैल हैव द सेम पावर्स एज वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट ऑफ द सीपीसी. तो इनके पास सेम पावर्स होगी कि भाई किसी को सम्मन करना है, उसको अटेंडेंस के लिए बुलाना है, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगाने हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करने हैं, या कोई भी जो भी चीज़ें सिविल कोर्ट के पास होती है, तो वो सारी पावर्स इस इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी के पास भी होंगी इंक्वायरी करते वक्त. और ये जो इंक्वायरी है कितने दिन में पूरी हो जानी चाहिए, विद इन 90 डेज पूरी हो जानी चाहिए. ठीक है, 90 डेज के अंदर अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर लेते हैं. फिर अब यहाँ पे सेक्शन 12 की बात हो रही है, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट. अब जब ये पेंडेंसी है इस इंक्वायरी की, तो उसके दौरान क्या एक्शन लिए जाएंगे वो बता रहा है. तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी ऑन अ रिटन रिक्वेस्ट मेड बाय द एग्री वुमेन, कौन रिक्वेस्ट कर रही है, एग्री वुमेन, किसको, इंटरनल कमेटी को या लोकल कमेटी को, एज अ केस में भी रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर, कि वो क्या रिकमेंड करे एम्प्लॉयर को, कि वो जो एग्री वुमेन है उसको ट्रांसफ़र कर दे या फिर रिस्पोंडेंट को ट्रांसफर कर दे, या तो उसको खुद को हटा दे या फिर जिसने इस तरीके की चीज़ किया उसको हटा दे उस वर्क प्लेस से. दूसरी चीज़ की लीव पे भेज दे एग्री वुमेन को 3 महीने के, कि अब 3 महीने तक वो ऑफिस ना आए. या तीसरी चीज़ है कि जो भी रिलीफ वुमेन मांग रही है, जो भी ठीक लग रहा है, वो रिलीफ दे दिया जाए. तो ये एक्शन है जो कि इंक्वायरी जब पेंडिंग है उसके दौरान लिए जा सकते हैं. और यहाँ पे जो लीव ग्रांट की जाएगी वुमेन को जो लीव ग्रांट की जाएगी जो बी के हिसाब से, वो एडिशन में होनी चाहिए जो कि लीव उसको वैसे मिलनी चाहिए, मतलब एक ऑर्डिनरी जो एक एम्प्लॉयमेंट के दौरान लीव्स मिलती है उसके अलावा ये 3 महीने की लीव और मिल जाएंगी उसको. और अगर जो इंटरनल कमेटी है, लोकल कमेटी है, वो रिकमेंडेशन करती है जो भी उसको ठीक लगता है उसके हिसाब से सबसेक्शन 1 के अंदर, तो द एम्प्लॉयर शैल इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन. तो एम्प्लॉयर को अब ये जो भी रिकमेंडेशन की गई है वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी सबसेक्शन 1 वाली, और इसकी रिपोर्ट जो है सेंड करनी पड़ेगी इंटरनल कमेटी को कि भाई मैंने जो है आपने जो बोला था वो चीज़ कर दी है, या फिर लोकल कमेटी को. ठीक है, अब क्या होता है कि इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है सेक्शन 13 के हिसाब से. ऑन कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी अंडर द एक्ट, अब जो इंक्वायरी थी वो कंप्लीट हो गई, तो जो इंटरनल कमेटी है, लोकल कमेटी एज अ केस में भी शैल प्रोवाइड अ रिपोर्ट ऑफ द फाइंडिंग्स, वो अपनी जो भी रिपोर्ट्स है वो प्रोवाइड करेंगे कि देखिए हमने इंक्वायरी की थी और इसके अंदर ये हमने कंक्लूजन निकाला है, एम्प्लॉयर को बताएंगी या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को. इंटरनल कमेटी इंप्लॉयर को बताएंगी, लोकल कमेटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बताएगी विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी. अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी, वो विद इन 10 डेज बता देंगी जब भी उनकी इंक्वायरी कंप्लीट हुई है उसके अंदर अंदर. और जो भी पार्टीज हैं जिनके जिन्होंने एलिगेशन लगाया था और जिसके अगेंस्ट लगा था उनको भी ये सारी बातें बताई जाएंगी. फिर बोलते हैं कि जहाँ पे इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी को वो इस बात पे अराइव करते हैं कंक्लूजन दैट द एलिगेशन अगेंस्ट द रिस्पॉन्डेंट हैज़ नॉट बीन प्रूव, कि वो प्रूव नहीं होता, इट शेल रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दैट नो एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन द मैटर, कि आप कुछ भी मत कीजिए, इसने इसके अगेंस्ट जो एलिगेशन लगे हैं वो प्रूफ नहीं हो रहे हैं. ठीक है, और अगर इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी को लगता है इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट वो प्रूव होते हैं, तो वो एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को क्या रिकमेंड करेंगे, वो क्या क्या रिकमेंड कर सकते हैं. सबसे पहली बात की उसके अगेंस्ट जो रिस्पोंडेंट है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए सेक्सुअल हरासमेंट का, कि भाई उसने मिसकंडक्ट किया है, जो भी सर्विस रूल्स हैं उसके हिसाब से जो एप्लीकेबल है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसके हिसाब से उसके अगेंस्ट एक्शन ले.
दूसरी बात कि टू डिडक्ट नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू द रिस्पॉन्डेंट फ्रॉम द सैलरी और वेजेस ऑफ द रिस्पॉन्डेंट सच सम एज इट मे कंसिडर अप्रोप्रिएट टू बी पेड टू द एग्रीव वूमेन. तो उसकी जो सैलरी है, जो भी उसको अमाउंट मिल रहा है, वेजेस मिल रहे हैं, उसमें से अमाउंट डिडक्ट करें और उस एग्रीव वूमेन को पे करें और उसके लीगल हेयर्स को पे करें. अभी जो सेक्शन 15 के अंदर हम देखेंगे इस चीज़ को. और यहाँ पे प्रोविजो बोलता है द एम्प्लॉयर इज अनेबल टू मेक सच डिडक्शन. अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉयर इस तरीके के डिडक्शंस नहीं कर पाता उसकी सैलरी में से या वेजेस में से, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट है वो एब्सेंट था उस ड्यूटी में से, या फिर उसकी जो एम्प्लॉयमेंट थी वो ख़त्म हो गई थी, उसको निकाल दिया गया था, तो रिस्पोंडेंट को भी डायरेक्टली ये डायरेक्शन दी जा सकती है कि वो एग्रीव वूमेन को इतना पर्टिकुलर सम पे कर दे. और साथ में एक और प्रोविजो बोलता है इन केस द रिस्पोंडेंट फेल टू पे द सम रेफर टू इन क्लॉज डी, और अगर वो ये सम नहीं पे कर पाता, फेल कर जाता है पे करने में, तो जो इंटरनल कमेटी है या लोकल कमेटी है वो रिकवरी के ऑर्डर्स भी भेज देगी अपने लैंड रिवेन्यू ऑफिसर्स जो भी उनके होते हैं, एज ए एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू जिनको बोला जाता है. तो जिस तरीके से उस चीज़ की रिकवरी होती है, ऐसे ये अमाउंट इनसे रिकवर किया जाएगा. और एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशन विद इन 60 डे ऑफ इट्स रिसीव्ड बाय हिम. और जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है या एम्प्लॉयर है वो विद इन 60 डेज एक्ट करेगा इस चीज़ को मिलने के बाद. तो ये चीज़ें हैं कि जो अगर वो मिलता है, प्रूव होता है, तो उसके अगेंस्ट ये चीज़ें होंगी कि भाई उसको उसके अगेंस्ट एक्शन होगा. जो सर्विस रूल्स हैं उसके हिसाब से उसका अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा सैलरी में से, या जो भी उसका अमाउंट है उसको पे करना पड़ेगा एग्रीव वूमेन को. अब मान लो कि अगर कोई वुमेन इसका मिसयूज़ करती है, फॉल्स या मेलिशियस कंप्लेंट करती है, या फॉल्स एविडेंस यूज़ करती है, तो उसके लिए भी पनिशमेंट की बात हुई है. तो वेयर जहाँ पे इंटरनल कमेटी को या लोकल कमेटी को ये कंक्लूज़न मिलता है अपनी इंक्वायरी का कि ये जो एलिगेशन लगाया गया था रिस्पोंडेंट के ऊपर वो मेलिकीशियस है, और एग्री वुमेन ने या किसी और पर्सन ने जिसने भी कंप्लेंट किया उसके बिहाफ पे वो गलत कंप्लेंट की थी और उस पर्सन को परेशान करने के लिए की थी, और जो भी एविडेंसेस उसने दिए हैं वो फोर्ज्ड हैं, मिसलीडिंग हैं, तो जो ये कमेटी है, दोनों कमेटी है, एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिकमेंड कर सकते हैं कि उस वुमेन के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए. और द पर्सन हैज़ मेड द कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 एज अ केस में भी, या फिर जिस पर्सन ने कंप्लेंट की थी उसके अगेंस्ट, भाई वुमेन के भी हाफ पे जैसे हमने देखा था कि कोई पर्सन भी कर सकता है लीगल हेयर्स ये सब, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए विद द अंडर प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू हर. तो जो भी सर्विस रूल, जैसे उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है रिस्पॉन्डेंट के अगेंस्ट, अब यहाँ पे कंप्लेनेंट के अगेंस्ट, एग्री वुमेन के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा सर्विस रूल्स के हिसाब से. फिर मेयर अनेबिलिटी टू सब्सटेंशिएट अ कंप्लेंट और प्रोवाइड एडिक्वेट प्रूफ नीड नॉट टू अट्रैक्ट एक्शन अगेंस्ट द कंप्लेनेंट अंडर दिस सेक्शन, कि सिर्फ अगर आप एडिक्वेट प्रूफ नहीं दे पा रहे इस कारण से आपके ऊपर ये पर्टिकुलर सेक्शन नहीं लगेगा. ठीक है, फिर सबसेक्शन 2 बोलता है इसके अंदर वेयर द इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी एज अ केस में भी अराइव्स एट द कंक्लूजन दैट ड्यूरिंग द इंक्वायरी एनी विटनेस हैज गिवन फॉल्स एविडेंस, की जो एग्री वुमेन है उसका तो नहीं पता लेकिन जो विटनेस लेके आए गए थे उसने फॉल्स एविडेंस दिए हैं या प्रोड्यूस किए हैं या फॉर्ज किए हैं कोई भी मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स, तो भी यहाँ पे एम्प्लॉयर या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, अगर मान लो कि जो विटनेस है वो किसी का एम्प्लॉयी था, तो उसके एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जो भी चीज़ लगती है कि उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन ले, जो भी उसके वहाँ के सर्विस रूल्स एप्लीकेबल हैं उसके हिसाब से, तो उसके अगेंस्ट फिर एक्शन लिया जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे कंपनसेशन पे करवाया जाता है अगर प्रूफ हो जाता है उस वुमेन को, एग्री वुमेन को, तो वो कंपनसेशन कितना पे कराया जाएगा इसके लिए सेक्शन 15 बात करता है. तो यहाँ पे देखा जाएगा किन किन चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा कि कितना मेंटल ट्रॉमा, पेन या सफरिंग हुई है, इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है उस एग्री वुमेन को. ठीक है, दूसरी चीज़ की उसके जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है उस हरासमेंट के कारण कितनी लूज़ हो गई है, उससे कितने मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं, इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटस क्या था उस रिस्पोंडेंट का, भाई अब अगर वो ज़्यादा उसकी सैलरी थी, ज़्यादा वो बड़ा व्यक्ति था तो उससे फिर ज़्यादा कंपनसेशन पे करवाया जाएगा, फिजिबिलिटी ऑफ सच पेमेंट इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट, की ये लमसम में अमाउंट पे कराया जाना चाहिए या इंस्टॉलमेंट में पे कराया जाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाएंगी जब कंपनसेशन डिटरमाइन किया जा रहा होगा कि जो रिस्पोंडेंट है वो एग्री वुमेन को ये जो कंपनसेशन पे करेगा. ठीक है, फिर सेक्शन 16 के ऊपर अगर हम आएँ, जो अगला सेक्शन है वो क्या बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नोन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग, की यहाँ पे ये प्रोहिबिट कर रहा है किस चीज़ के लिए, पब्लिकेशन करने के लिए या फिर मेकिंग नोन कंटेंट्स के लिए
कंप्लेंट के, जो कंप्लेंट हुई है या फिर इंक्वायरी हुई है उसकी प्रोसीडिंग्स के, कि आप उसको पब्लिश नहीं करोगे, उस चीज़ से रोक रहा है। तो जो भी चीज़ें एक हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर दी गई हैं, उसके अलावा आगे क्या बोलता है कि द कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट मेड अंडर सेक्शन 9 की जो भी बातें लिखी गई थी सेक्शन 9 के अंदर जो कंप्लेंट की गई थी, द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द एग्री वुमेन रिस्पोंडेंट एंड विटनेस एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंसिलिएशन एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स recommendations of the internal committee or local committee as a case may be and the action taken by the employer or district officer under the provisions of this act shall not be published, communicated or made known to the public, press and media in any manner. तो इसके अंदर कोई भी action हो रहा है, agree woman की कोई details, respondent की कोई detail, witness की कोई detail, committee ने कोई action लिया, कोई भी चीज़ disclose नहीं की जाएगी, publish नहीं की जाएगी, communicate नहीं की जाएगी कि media में आप जाके इस तरीके की बातें बता रहे हो। लेकिन यहाँ पे प्रोविजो देता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है डिसेमिनेट की जा सकती है, मतलब दी जा सकती है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द जस्टिस सिक्योर टू एनी विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, की भाई उसको जस्टिस सिक्योर हुई है इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। वहाँ पे उसका नेम, आइडेंटिटी और ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जाएंगी उस वुमेन की या विटनेस की, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकते इस सेक्शन 16 के हिसाब से जो भी हुई हैं इसके अंदर। और मान लो अगर कोई पर्सन करता है तो वहाँ पे उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, ठीक है। अगर कोई इस तरीके की चीज़ कर रहा है, पब्लिकेशन कर रहा है, डिस्क्लोज कर देता है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो वो पेनल्टी फिर वही है कि जो भी सर्विस रूल्स हैं उसके हिसाब से उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। फिर अपील की बात है कि अब कोई जैसे एग्री पर्सन है या रिस्पोंडेंट है उनके फेवर में नहीं होती चीज़, तो वो अपील में भी जा सकते हैं कि एनी पर्सन एग्री फ्रॉम द रिकमेंडेशंस मेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13 या सेक्शन और क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 14, 17 और नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच रिकमेंडेशन मे प्रेफर एन अपील टू द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कि आप कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू द सेट पर्सन और वेयर नो सच सर्विस रूल एग्जिस्ट देन विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द पर्सन एग्रीड मे प्रेफर अपील इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो फिर मतलब उसको एक ऑप्शन दिया गया कि वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल के अंदर अपील के अंदर जा सकता है अगर वो एग्रीव्ड होता है, जो भी ये कमेटी ने या जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुई इससे अगर वो एग्रीव्ड है तो उसको लगता है कि सही नहीं हुआ है, दोनों में से कोई भी जा सकता है इस अपील के अंदर। और ये अपील में जाने का टाइम दिया गया है 90 डेज का, कि आपको विद इन 90 डेज जाना है, जो रिकमेंडेशन आई है उसके विद इन 90 डेज आपको अपील में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे अब ड्यूटीज आई हैं, एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी है वो सारी बता रहा है। तो एवरी एम्प्लॉयर शेल, वो क्या क्या करेगा इस एक्ट के हिसाब से, प्रोवाइड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट टू द वर्क प्लेस, कि भाई सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देगा, डिस्प्ले करेगा जो भी कॉन्स्पिशियस प्लेसेस हैं वर्क प्लेस के अंदर और क्या पीनल कॉन्सिक्वेंसेज हो गए कि अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट करता है, तो ये सारी चीज़ें बताएगा। इंटरनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा, इसके अलावा वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेगा रेगुलर इंटरवल्स पे कि इस तरीके की चीज़ें ना हो। नेसेसरी फैसिलिटीज़ देगा इंटरनल कमेटी को, लोकल कमेटी को, जो भी उनको चाहिए, जो भी डील के साथ इस कंप्लेंट के साथ डील कर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा असिस्ट करेगा कि अटेंडेंस सिक्योर की जाए रिस्पोंडेंट के द्वारा या विटनेस के द्वारा इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी के सामने, सारी चीज़ें और प्रोवाइड करेगा जितनी इन्फॉर्मेशन है जो चाहिए इंटरनल कमेटी को, लोकल कमेटी को, ठीक है। वुमेन को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अगर वो कंप्लेंट करना चाहती है तो। और इसके अलावा एक्शन इनिशिएट करेगा आईपीसी के हिसाब से उस रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट अगर प्रूव होता है तो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसकी ड्यूटी बनती है। और जो भी सेक्सुअल हरासमेंट को हुए हैं उसके साथ उसको एज अ मिसकंडक्ट डील करेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, कि सर्विस रूल्स तोड़े गए हैं, और फिर उसके अगेंस्ट एक्शन इनिशिएट करेगा और टाइमली इसको मॉनिटर करेगा कि इंटरनल कमेटी के पास कंप्लेंट चली जाए। तो ये सारी ड्यूटीज़ हैं जो कि एम्प्लॉयर की हैं, जो कि एम्प्लॉयर है वहाँ का जो सुपरवाइज कर रहा है, जो भी है पर्सन जो हेड है उस डिपार्टमेंट का, उसकी ये ड्यूटीज़ हैं कि उसको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। फिर ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ये जो हम देख रहे थे लोकल कमेटी के अंदर की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा उसकी क्या ड्यूटीज़ एंड पावर हैं, तो उसकी क्या बताया गया है कि वो टाइमली सबमिशंस देखेगा कि जो भी रिपोर्ट आ रही हैं लोकल कमेटी के पास वो टाइमली फर्निश हो रही हैं, और जो भी मेजर्स ज़रूरी हैं नेसेसरी हैं एनजीओस को एंगेज करने के लिए ताकि वो अवेयरनेस करे और इन सब चीज़ों से रिलेटेड, हरासमेंट से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें वो करेगा। तो ये ड्यूटीज़ एंड पावर्स हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के। इसके अलावा ये मिसलिनियस प्रोविजंस हैं, सेक्शन 30 तक जाएंगे हमारे 10 सेक्शन है ये। तो सबसे पहले बोलते हैं कमेटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट, अब ये जो लोकल कमेटी इंटरनल कमेटी है इनको क्या करना होगा,
कैलेंडर ईयर एक प्रिपेयर करना होगा, मतलब कि एक कैलेंडर ईयर के अंदर प्रिपेयर नहीं करना होगा, एक हर एक कैलेंडर ईयर के अंदर क्या प्रिपेयर करना होगा, इन सच अ फॉर्म एंड टाइम एज मे प्रिस्क्राइब एनुअल रिपोर्ट एंड सबमिट द सेम टू द एम्प्लॉयर एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, कि जो भी एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे हर एक कैलेंडर ईयर के अंदर और वो एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सबमिट करेंगे, और फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा ये फॉरवर्ड कर देगा ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द एनुअल रिपोर्ट रिसीव अंडर सबसेक्शन 1-2 स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट को बता देगा कि ये चीज़ें हुई हैं, उसकी ब्रीफिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज देगा। फिर एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इन्फॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट, अब एम्प्लॉयर क्या क्या चीज़ें जो है इंक्लूड करेगा एनुअल रिपोर्ट के अंदर, तो एम्प्लॉयर जो है शैल इंक्लूड इन इट्स रिपोर्ट द नंबर ऑफ केसेज फाइल्ड, की कितने नंबर ऑफ केसेज फाइल्ड हुए हरासमेंट के रिगार्डिंग, कितने डिस्पोजल हुए उस एक्ट के हिसाब से, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बताएगा और फिर उसको इंटीमेट कर देगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन डाटा, तो गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी इस एक्ट को कि सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है और डाटा मेंटेन करेगी कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और जो हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो मेजर्स लेंगी और पब्लिसाइज करेंगी इस एक्ट को कि सब तक ये पहुँचे, ये जो भी इंफॉर्मेशन है इसकी एजुकेशन पहुँचे, कम्युनिकेशन करेंगी, ट्रेनिंग वगैरह मटेरियल बांटेंगी, ये सब चीज़ें करेंगी, लोगों की ट्रेनिंग कराएंगी, प्रोग्राम्स करेंगी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगी, ये सारी चीज़ें करेंगी। सेक्शन 24(5) बोलता है कि पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन एंड इंस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, की ये पावर दी गई है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की कि उसको अगर ये ठीक लगता है, नेसेसरी लगता है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर या फिर वुमेन एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट के अंदर किसी भी वर्क प्लेस पर जो काम कर रही है राइटिंग के अंदर, कि वो उस जगह के जो भी एम्प्लॉयर हैं उनसे या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो भी उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है कि उनसे राइटिंग के अंदर इन्फॉर्मेशन मंगाए जो भी उनको ठीक लगती है इस हरासमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो ये सारी पावर्स उनको दी गई हैं कि वो ये चीज़ें कर सकती हैं। और अगर मान लो कि नॉन कंप्लाइंस की जाती है इन प्रोविजंस की, ये जो दिए गए हैं इसके अंदर, तो इसके रिगार्डिंग पेनल्टी की बात की गई है कि अगर कोई भी एम्प्लॉई फेल होता है इंटरनल कमेटी बनाने में सेक्शन 4 के हिसाब से, या फिर जो 13, 14, 22 में एक्शंस दिए गए हैं वो नहीं लेता या कॉन्ट्रीवीन करता है, ठीक है, या फिर अबेट करता है, उकसाता है कन्वेंशन करने के लिए इस प्रोविजंस के, तो उसको भी पनिश किया जाएगा फ़ाइन के हिसाब से, और वो फ़ाइन कितना होगा, किस हिसाब से होगा, 50,000 रुपये होगा, 50,000 रुपये उसके ऊपर फ़ाइन लगाया जाएगा। और अगर एम्प्लॉयर जो है आफ्टर हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट सब्सिक्वेंटली कमिट्स एंड कन्विक्टेड द सेम ऑफेंस शैल बी लाइबल टू, अगर मान लो कि एक बार ही कर दिया और दोबारा से इस तरीके की चीज़ प्रोविजन को वो क्या करता है कॉन्ट्रवीन करता है, तो उसकी पनिशमेंट ट्वाइस हो जाएगी, तो मतलब कि डबल हो जाएगा अमाउंट फर्स्ट कन्विक्शन के बाद, विच माइट हैव बीन इम्पोज ऑन फर्स्ट कन्विक्शन सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट बीइंग मैक्सिमम प्रोवाइडेड फॉर द सेम ऑफेंस, की जितनी लगनी चाहिए थी तो उसके डबल, जैसे अगर 50,000 लगाई है मतलब मैक्सिमम 50,000 लग सकती है, तो अगर मान लो 25,000 लगाई है तो दूसरी बार उसमें 50 लग जाएगी, 50 लगाई थी तो 1,00,000 लग जाएगी, तो इस तरीके से मैक्सिमम पनिशमेंट उसके ऊपर लग जाएगी। Provided that in case of higher punishment is prescribed under any other law for the time being in force for the offence for which the accused is being prosecuted, the court shall take due cognizance of the same while awarding the punishment. वो पुरानी बातों को ध्यान रखेगा कोर्ट जब सेकेंड टाइम उसको दे रहा होगा। कैंसिलेशन ऑफ इस लाइसेंस और विड्रॉल और नॉन रिन्यूअल और अप्रूवल ऑफ और कैंसिलेशन, तो ये एक्शंस भी हो सकते हैं कि उसका जो लाइसेंस वगैरह है ये सारी चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये इस तरीके के एक्शंस उसके ऊपर लिए जा सकते हैं। अब ये बता रहा है कि ये जो ऑफेंसेज हो रहे हैं उसके कॉग्निजेंस के बारे में बता रहा है, तो नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट और एनी रूल्स मेड देयर अंडर सेव ऑन कंप्लेंट मेड बाय एग्री वुमेन और एनी पर्सन अथोराइज बाय द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी इन दिस बिहाफ, तो उसके लिए बताया इसने, और नो कोर्ट इन्फीरियर टू द मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या जीएम फर्स्ट क्लास जो है शैल ट्राई एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, कि इससे नीचे का कोई जो मजिस्ट्रेट है वो ट्राई नहीं करेगा, और जो भी ऑफेंसेज होंगे वो नॉन कॉग्निजेबल होंगे, मतलब कि आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा। एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, मतलब कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन टू द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ, कि भाई ये एडिशन है, जैसे आईपीसी के एडिशन में इसको ऐड किया गया, ये नहीं कि उसके प्रोविजंस को ये उसको ओवर रूल कर जाएगी, इस तरीके की चीजें नहीं होंगी इसके अंदर। फिर बताते हैं पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, अब ये पावर्स दी गई हैं कि वो रूल्स बना सकता है, ठीक है, कि क्या जो भी जितने भी रूल्स हैं जितने आगे यहाँ पे जहाँ पे प्रेस्क्राइब किए गए थे ऑफिशियल गजट में निकाल के वो रूल्स बना देगा, कितनी फीस पे करनी है मेंबर्स को, नॉमिनेशन कैसे होगा मेंबर्स का, चेयरपर्सन को क्या फीस पे करनी है, ठीक है, किसको कौन पर्सन मतलब कंप्लेंट कर सकता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 के अंदर, इंक्वायरी किस तरीके से होगी, पावर फॉर मेकिंग इंक्वायरी क्या होगी,
रिलीफ क्या क्या होंगे सेक्शन 12 के अंदर, तो ये सारी चीज़ें जो है अपील के लिए, इस सब चीज़ों के लिए पावर दी गई है कि वो रूल्स बना सकती है। पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज, तो ये पावर भी दे दी गई गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो अगर कोई भी डिफ़िकल्टीज लगती हैं तो ऑफिशियल गजट में निकाल के वो रिमूव कर सकती हैं। तो ये सारे हमारे प्रोविजन है। अगर आपको कोई प्रोविजन समझ ना आया हो या किसी भी प्रोविजन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।